हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं टू ऑल चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार कोड के बारे में। लगभग ज़्यादातर आप लोगों ने मार्केटिंग या फिर कोई चीज़ ये खरीद मॉल से ख़रीदने के वक्त या फिर आपके आधार कार्ड में भी देखा होगा कि आपके एक आधार कार्ड के पीछे या शॉपिंग मॉल में आप देखे होंगे कि बिल पेमेंट करने के वक्त आपको सेलर एक चीज़ पे अपनी स्कैनर गन लगाता है और एक कोड लगा रहता है, तो उससे कहते हैं बार कोड। तो आप लोग ज़्यादातर बार कोड के बारे में जानते ही होंगे, तो आज हम उस बार कोड के बारे में बताएंगे कि कैसे वो वर्क करता है और क्यों कब ये बार कोड का यूज़ स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ जानने के लिए हमें आगे जाना पड़ता है या पीछे जाना पड़ता है। जैसे कि बारकोड के बारे में जानने के लिए पहले हमें उसका इतिहास जान लेना चाहिए। तो चलिए हम फर्स्ट इतिहास से ही शुरू करते हैं। तो पहली बात है, हम बारकोड के बारे में बता देता हूँ। बारकोड 1949 में जोसेफ वुडलैंड नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया था। तो वो थे ड्रैक्सन यूनिवर्सिटी का। तो बारकोड जब 1949 में जोसेफ वुडलैंड यूनिवर्सिटी के पढ़ने के वक्त एक शॉपिंग मॉल से उन्हें ऑफर आया था कि उनकी बिजनेस के लिए एक ऐसा सेटअप कर देना चाहिए जिससे कि उन्हें अपनी सेलर के लिए जल्दी से जल्दी वो सामान सप्लाई कर सकते हैं या फिर उनका बिलिंग कर सकते हैं। तो लगभग ज़्यादातर शॉपिंग मॉल में भीड़ रहता है, तो इसीलिए वो सिस्टम चालू हुआ था। तो ये एक सेटअप है। तो ये जब बारकोड निकाला गया था तब वो था पैरेलल लाइन में। इसका मतलब वो दिखने में था करीब मोस्ट कोड की तरह। तो बारकोड फर्स्ट टाइम बारकोड का पहला जब जोसेफ वुडलैंड अपनी वो बारकोड वाला सिस्टम निकाला था, तो वो धीरे धीरे कंपनी को पसंद आने लगी। बहुत सारी कंपनी ने उनकी वो बारकोड वाला सिस्टम अपनी काम में लिया, अपनी बिलिंग के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। तो ऐसे ही करके बारकोड का प्रथा आगे बढ़ता गया। तो जब जोसेफ वुडलैंड ने अपना बारकोड का सिस्टम निकाला, तो उन्होंने उनका नाम दिया था पहले क्लासिफाइड अपार्टनेस एंड प्रोजेक्ट। तो उसका मीनिंग था क्लासिफाइड अपार्टनेस एंड प्रोजेक्ट। तो हम क्लासिफाइड अपार्टनेस प्रोजेक्ट के बारे में फिर बहुत सारी मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत सारी कंपनियों ने धीरे धीरे उससे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उनकी नाम का पेटेंट हो गया। जब पेटेंट हुआ तो कंपनी ने अच्छी तरीके से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो यह हुआ हिस्ट्री के बारे में। अब हम बारकोड के बारे में गहराई से पता लगाएंगे। तो हम सेकेंड पार्ट में बोलेंगे कि बारकोड क्या है और वैसे वो कैसे वर्क करता है उसकी। हम सिर्फ जानते हैं बारकोड कुछ ब्लैक एंड वाइट का कुछ दाग दो होता है, लाइंस, क्रॉस लाइन या जिसे आप जो भी आप कह लीजिए, तो वो होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो बारकोड दो टाइप का होता है। पहला होता है फर्स्ट डी एंड सेकेंड डी। और बारकोड में सबसे बेस्ट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट एंड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये है एक आईपी कोड, 1D कोड। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट होता है 1D। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है फर्स्ट डी एंड दूसरा होता है फर्स्ट बार। पहला होता है फर्स्ट डी में होता है फर्स्ट बार कोड एंड सेकंड में होता है 12-digit प्रोडक्ट कोड। तो फर्स्ट बार कोड में क्या होता है कि उनमें जो मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर की कंपनी का नाम होता है और सेकंड में उसका प्रोडक्ट नंबर होता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। सेकेंड कोड में होता है फर्स्ट डिजिट में जो पहले की 6 digit होते हैं उनमें होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कोड, और जो सेकंड 5 होता है
उनमें होता है प्रोडक्ट का कोड, यानी आप जो सामान खरीद रहे हैं उनका कोड रहता है, वो कितना नंबर है, वो सामान क्या है, तो इनमें डिटेल्स भरी जाती है। और जो लास्ट कोड है 6 और 5 11 होता है, तो लास्ट जो कोड है वो हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं इसके बारे में। तो यही है फर्स्ट बार कोड के डिटेल्स के बारे में अपना। तो अब हम सीखेंगे किस फर्स्ट डी का बार कोड हमें पता चला, तो हम अब जानेंगे सेकेंड डी क्या है और वो कैसे कैसे काम करती है। तो सेकेंड डी का इंफॉर्मेशन है, सेकेंड डी में हम जो जैसे जैसे वक्त बदलता गया वो बार कोड का सिस्टम में, पहले क्या होता था बार कोड में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो हम वो सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रख सकते थे। तो अब जब वक्त बदलता गया तब धीरे धीरे बार कोड का सिस्टम भी बदलता गया, तो अब बार कोड में क्या आता है कि आप बार कोड में एक जो सेकेंडरी बार कोड है, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी जो बार कोड है तो सेकेंडरी बार कोड में आपको मिलता है कि टेक्स्ट मैसेजेस एंड कुछ वेबसाइट का लिंक या फिर अब कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, या फिर आपको क्या टेक्स्ट मैंने पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं और भी बहुत तरीके हैं। तो पहली जो बारकोड था, तो पहले बारकोड में क्या था, पहले वाली बारकोड में आप जो बारकोड का स्कैनर है उसके थ्रू ही आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन वक्त बदल रहा है तो उसके थ्रू आप अब मोबाइल से भी कोई बारकोड स्कैन करके उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है कि आप अपने बारकोड को कहाँ क्या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही है, तो अब मैं बता देता हूँ कि बारकोड अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो कहाँ कहाँ लगभग हो सकती है। तो पहली बात, बारकोड यूज़ होता है आप देखे होंगे शॉपिंग मॉल पे, तो कोई भी बिजनेस साइट पे, या फिर कोई भी घर पे भी देखे होंगे कि घर पे कोई पासवर्ड देने के लिए, वाईफाई और पासवर्ड देने के लिए कोई हर बार पूछता नहीं, बारकोड स्कैन करता है और पासवर्ड और ये ले लेता है। तो ये तो रही, तो ये तो घर का है, तो अब आप रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। तो रियल लाइफ हम देखते हैं कि फ़ोन, अब तो फ़ोन पे आ गया है पेटीएम, भीम या फिर कोई भी पेमेंट थ्रू ऐप। तो पेमेंट थ्रू ऐप में आप देखेंगे कोई भी शॉप, छोटी मोटी रिटेल स्टोर या फिर इतनी जगह पे आप आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे या फिर एटीएम कार्ड में भी अब आ गया है, तो इसके थ्रू आपको आप देख सकते हैं, तो उससे स्कैन करके रीड कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है आधार कार्ड को स्कैन करने के साथ साथ ही आधार नंबर, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स सब कुछ आ जाता है, तो आप घर पे भी स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप उस बार कोड क्या है कि अब और एक बात, तो बार कोड और क्यूआर कोड कोई अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही है, डेवलप करके वो बनाया गया था। और क्यूआर कोड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि उसमें आप देखे होंगे कि एक स्क्वायर के लगभग, स्क्वायर के अंदर बहुत सारी डॉट है, तो उन डॉट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब बारकोड में अपडेट होता गया तो धीरे धीरे शेप चेंज करके उसे क्यूआर कोड बना दिया गया। तो बारकोड अभी भी चल रहा है, तो बारकोड ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब हम होटल में चेक इन करते हैं तो वहाँ पे आपको बारकोड देखने को मिलता है, बारकोड की कीज को दीजिए, स्कैन करेगा फिर ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे आप बारकोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल ए टू ऑल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जानना है कि आपको बारकोड की लेज़र कैसे काम कर रही है, और वो लेज़र प्रिंट आउट की तरह ही काम करता है, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि कैसे वर्क करती है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के वो आपको दे दूँगा, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो के अंदर कोई फुटेज देखना है तो आप वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू गाइस, गुड बाय।